सब तो क्रिएटिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल क्रिएटिव। फर्स्ट टाइम चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि जो लोग गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पे वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपनी अच्छी सी रैंक निकाल करके अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं या फिर गवर्नमेंट सर्विस में जा सकते हैं। क्योंकि यहां पे जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर हैं उनके द्वारा क्लासेस लिया जाता है, जिसमें रविंद्र बाबू सर हैं, सचित जैन सर हैं, विंसु सर हैं, अंकित गोयल सर हैं, जिनको 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और इसमें 800+ आवर की क्लासेस है, इसमें लाइव इंट्रैक्शन है, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। तो क्लासेस में है सेंड फॉर गेट 2023 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है, न्यू बैच है जो कि स्टार्ट हो रहा 31 मार्च से। दूसरा है इवॉल्व फॉर गेट 2022 न्यू बैच अलर्ट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी न्यू बैच जो है 31 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। असेंड फॉर गेट 2023 न्यू बैच अलर्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, ये भी 31 मार्च से स्टार्ट हो रहा। इवॉल्व फॉर गेट 2022 न्यू बैच अलर्ट है, ये भी 31 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर हैं उनके द्वारा हो रहा है। और जो लोग इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो लोग जो मेरा कोड है करियर अड्डा उसको यूज करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। उतना जिन्होंने कॉम्बैक्ट टेस्ट दिया था वो उनका रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया और विनर को 100% प्लस सब्सक्रिप्शन मिला है, और जिसमें कि बैचेस आपके लिए स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि लोगों को क्या रैंक मिली है। और अनअकैडमी लर्नर्स हैव रैंक फॉर गेट 2021 रैंक 1 से 10 के बीच में 11 लोग आए हैं, रैंक 11 से 50 के बीच में 45 लोग आए हैं, रैंक 51 से 100 के बीच में 35 लोग आए हैं, रैंक 101 से 500 के बीच में 84 लोग आए हैं, रैंक 501 से लेकर 1000 के बीच में 47 लोग आए हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके इनरोल कर लें और अपने दोस्तों। आज की वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि इंजीनियरिंग कैंपस प्लेसमेंट में कंपनीज क्या क्वेश्चन पूछती हैं या इंटरव्यू क्या लेती हैं, इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। जब हम बीटेक फाइनल ईयर में थे, जब कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती थी, तो मैक्सिमम एक तो कंपनी जो हमारे यहाँ आई थी वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनीज आई थी, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आई, एक दो इलेक्ट्रॉनिक से थी, इलेक्ट्रिकल की थी, मैकेनिकल की थी, इस तरह से कंपनी जाती हैं कैंपस में। तो सारे स्टूडेंट को बहुत होप होता है कि ऑब्वियसली कैंपस प्लेसमेंट हो जाए तो बेटर होता है, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट अगर नहीं होता है तो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको फील होती हैं और आपको लगता है कि आप कैंपस जाके जॉब लेना बड़ा टफ है। लेकिन ऐसा ऑब्वियसली नहीं है कि अगर ऑन कैंपस नहीं प्लेसमेंट हुआ तो ऑफ कैंपस आपको जॉब नहीं मिलेगा। अगर आपका कैंपस सिलेक्शन होने वाला है, कैंपस में कंपनी आ रही है, तो सबसे पहले जिस भी ब्रांच के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हो और उस स्ट्रीम के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि वो आपको समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कंपनी क्या है, कंपनी क्या करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, ये कंपनी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप कंपनी के बारे में नहीं जानोगे ना, कंपनी हमेशा बहुत चालाक होती है। कंपनी का जो एचआर होता है, जो टेक्निकल राउंड लेता है, वो बंदा हमेशा ये चाहेगा कि ऐसा बंदा आए कि जो हमारी कंपनी से फेमिलियर हो, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानता हो, हमारी कंपनी के बारे में जानता हो। अगर उसने पूछ लिया इंटरव्यू में कि आप मेरी कंपनी के बारे में जानते हैं, तो आप कहोगे नहीं, तो घंटा 1% चांसेस नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए वहां पे। तो ये सारी चीजें आपको जानना बड़ा जरूरी है कि कैंपस में कौन सी कंपनी आ रही है, उस कंपनी के बारे में। बाकी अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो सॉफ्टवेयर, उस कंपनी में सॉफ्टवेयर का यूटिलाइजेशन क्या है, कंपनी किस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम करती है, उसका थोड़ा बेसिक और टेक्निकल नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा डेप्थ में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपने ओवरव्यू सही से दे दिया, अगर आपने चीजें सही से बता दिया जो कंपनी चाहती है कंपनी के अकॉर्डिंग, इस तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन 100% है। और जो लोग अगर ये सब चीजें स्टडी नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो ऑब्वियसली उनका कैंपस होना बहुत टफ होता है। देखो, कैंपस प्लेसमेंट हर कोई चाहता है, चाहे वो 10,000 का, चाहे 15,000 का, चाहे 20,000 का हो। कैंपस प्लेसमेंट हो जाए तो बंदा निश्चिंत हो जाता है, चलो ठीक है, साल दो साल एक कंपनी में करेंगे, उसके बाद उसी अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, दूसरी कंपनियों में जॉब पाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो मेन टारगेट होता है कि कैंपस प्लेसमेंट में अपने आप को लेके जाना और वहां पे सेलेक्ट होना। तो जो पॉइंट्स मैंने बताया है कि कंपनी के बारे में जानो, ओवरव्यू जानो, टेक्निकल बेसिक टेक्निकल अपनी ब्रांच से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बेसिक, वो बहुत जाना बहुत जरूरी है। जैसे आप कोडिंग में जाना चाहते हैं, कोडिंग से रिलेटेड पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी कौन से डिवाइस बनाती है, कौन से मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्या टेक्नोलॉजी यूज करती है, ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यूअर उसी के इर्द गिर्द घुमाएगा आपको और
क्वेश्चन पूछेगा। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट अगर आप माइंडसेट में रख करके बैठते हो इंटरव्यूअर के सामने, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये छोटा सा गाइड मेरी तरफ से सजेशन था। हम भी जब कैंपस में बैठे थे तो हमें भी बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, तो हमारे सर लोग जो सीनियर थे वो बताते थे ये सारी चीजें। तो मैं चाहता था आप लोगों के साथ भी ये चीजें शेयर करें। तो बस आज की वीडियो में इतना। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।